बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, शॉप नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। उत्तर प्रदेश के ओरिया जिले में मंदिर कब्जाने को लेकर हुए विवाद में समाजवादी पार्टी के MLC कमलेश पाठक के भाई ने कल शाम छात्र नेता व अधिवक्ता मंजुल चौबे को उनकी बहन के साथ गोली से उड़ा दिया। गंभीर बात ये हुई कि झगड़े की सूचना पाकर पहुंची पुलिस के सामने ही हत्याभियुक्त ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, लोगों को मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल पुलिस ने MLC समेत उनके भाइयों व लगभग दर्जन भर लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं इस हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए राइफल, पिस्टल और तमंचे को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। दो लोगों को मौत के घाट उतारने की है घटना। जिला ओरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर मोहल्ले से घटी थी, जिसमें कल SP सुनीति जब मौके पर पहुंची तो मृतक के परिजनों ने उन्हें घेर लिया और पैरों में गिरते हुए उनसे इंसाफ की मांग की। परिजन बराबर चिल्ला रहे थे कि उनका सब कुछ उजाड़ दिया गया है। मौके पर ही सपा MLC कमलेश पाठक की कार भी खड़ी हुई थी। आइए देखते हैं क्या बता रही हैं SP सुनीति जी। एक झगड़ा हुआ, 100 नंबर की सूचना हमको मिली तो तत्काल मौके पे पुलिस आई है। तो जैसे पुलिस आई, उसी समय जो कन्फ्रंटेशन हो रहा था उसमें एक पक्ष ने गोली चला दी। जिसने गोली चलाई है, अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें, उनका नाम संतोष पाठक है। ये जो मौजूदा सपा के MLC हैं कमलेश पाठक, उनके भाई हैं, वो भी यहाँ मौजूद थे। तो जितना अभी तक पता चल रहा है कि जो MLC हैं वो और उनके दोनों भाई और कुछ लोगों के साथ इधर मौजूद थे। उनका ये जो मृतक परिवार है उनके साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा में इनके भाई ने गोली चला दी, उसमें दो लोग की डेथ हो गई। एक की ऑन द स्पॉट हो गई है और एक को हॉस्पिटल ले जाते हुए कोलैप्स कर गए हैं। मैम, क्या अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ है? देखिए, इसमें 6 लोग हमारे पास डिटेन हैं, जिसमें मौजूदा MLC भी हैं, उनके दोनों भाई हमारे पास डिटेन है। रही बॉडी, उस बात को हम थोड़ा और परिवारजनों से बात कर लें, उसके बाद मैं क्लियर करके आपको बताऊंगा। इस विवाद में जिस व्यक्ति की जान गई है उनका नाम छात्र नेतात्र मंजुल चौबे बताया जा रहा है, जबकि उनकी बहन का नाम समाचार दिए जाने तक पता लगाया जा रहा था। चौबे व बहन की कल मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने फिलहाल सपा MLC कमलेश पाठक, उनके भाई हत्यारोपी संतोष पाठक, राम पाठक समेत दर्जन भर लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं आरोपियों को मेडिकल के प्रशिक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है, जिसके बाद पुलिस हत्यारोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। साथ ही पुलिस द्वारा फरार अभियुक्तों की तलाश भी की जा रही है। आइए देखते हैं इस मामले में क्या कहना है ओरैया के अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित का। कल जो ओरैया में दोहरा हत्याकांड हुआ, इसमें 8 लोगों को नामजद और 3 अज्ञात के विरुद्ध FIR दर्ज हुआ। 147, 148, 149, 307 और 302 के अंतर्गत इसमें से 4 नामजद और 1 गनर और 2 अज्ञात अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आज भी जेल भेजा जा रहा है। इनसे एक राइफल, एक रिवाल्वर और 4 तमंचा बरामद हुआ है। शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कर उनके भी प्रभारी कार्रवाई की। सर, क्या जो धाराएं अभी लगाई गई हैं, जो सभी पर एक जैसी धाराएं हैं कि सिर्फ ये सपा MLC के ऊपर और उनके भाई के ऊपर? सभी के ऊपर, सभी के ऊपर। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।